प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे ई फाइलिंग ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरर तथा फर्स्ट डीलर एंड सेकंड डीलर के ऊपर लगता है, जो प्रोडक्शंस करते हैं गुड्स की और आगे इसको भेजते हैं। तो यह जो टैक्स है, इसकी जो रिटर्न है वह आप ऑनलाइन पे सबमिट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में रजिस्टर करना होगा। आपने बटन के ऊपर क्लिक किया और फिर यहाँ न्यू यूज़र के ऊपर आपने क्लिक किया, तो सबसे पहले आप यह फॉर्म भरोगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, किस टाइप की प्रोडक्शन करती है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है, तथा आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिखकर इसको सबमिट कर देना है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, यूज़र नेम विशाल स, ईमेल विशाल सिंगानिया एट याहू डॉट कॉम, नेम ऑफ यूनिट सिंगानिया ग्रुप, डेस्टिनेशन डायरेक्टर, फर्स्ट नेम विशाल, मिडिल नेम कुमार एंड लास्ट नेम सिंगानिया, एंड दिस इज़ अ गिवन द फोन नंबर। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपका यूज़र नेम है, वो तो यहाँ जो आपने सबमिट किया है, उसके अलावा जो आपका पासवर्ड है उसको आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद लॉगिन करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का अगला प्रोसेस शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन के अगले प्रोसेस में आपने फॉर्म फिल करना है, A1, A2, A3 डिक्लेरेशन फॉर्म और नॉन असेसी फॉर्म। तो इसको कैसे आपने फिल करना है, नंबर एक पे आपने इसमें आपने अपना पैन कार्ड नंबर शो करना है, क्योंकि जो आपका एक्साइज ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो पैन कार्ड के बेस पे बनेगा। आपने अपना एड्रेस यहाँ शो कर देना है। नंबर दो पे आपके कौन से बैंक से आप पेमेंट करोगे वो यहाँ शो करना है, फर्स्ट अकाउंट PNB और सेकंड ICICI। उसके अलावा आपका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर है या सेल टैक्स नंबर है, सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर है, तो उसको यहाँ शो करना है। एंड इन लास्ट आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल शो करनी है। आप चिप्स की प्रोडक्शन कर रहे हो, आप बिस्कुट की प्रोडक्शन कर रहे हो, और इसको आपने सबमिट करना है। इसके बाद तकरीबन तकरीबन 10-15 दिन लगेंगे और आप की ये जो रजिस्ट्रेशन है अप्रूव की जाएगी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज से तथा इसके कमिश्नर द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसे RC कहते हैं वो भेजा जाएगा, जिसमें आपका RC नंबर होगा। उसके बाद आपने अपने रिटर्न भरना शुरू कर देना है। मान लो कि उसके लिए आपने कहाँ जाना है, एक अपने ही अकाउंट में RET लिखा होगा, जैसे आपने लॉगिन और पासवर्ड लगाया, उसमें आप एक्साइज रिटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी चूज़ करना चूज़ कीजिए। उसके बाद आपका कितना
क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड किया, कितना उसका असेसेबल वैल्यू है, उसके बेस पे आप ने जो टैक्स देना है वो यहाँ सबमिट कीजिए। और इसके बाद आपकी जो टोटल कैश पेमेंट है वो यहाँ शो हो जाएगी टैक्स की। यह टैक्स आप जिस बैंक को आपने ऐड किया है उसमें पेमेंट कर दीजिए और उसका चालान नंबर यहाँ शो कर दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। और इतना सा ही प्रोसीजर है, जैसे जैसे आप इसको सबमिट करते जाओगे आपका एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के खाते में जमा होता जाएगा। कुछ नियम्स हैं, जैसे जो एक्साइज रिटर्न वन है वो मंथली बेस पे होती है, एक्साइज रिटर्न टू है वो 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ, एक्साइज रिटर्न है जो वो ईओयू यूनिट्स के लिए है वह 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, ऐसी अलग अलग हैं। तो उस प्रोसीजर का आप ध्यान रखिए। धन्यवाद।